गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर कॉलेज कब से खुलेगा? यूनिवर्सिटी का भी आया नहीं ऑर्डर, ऐसे तो आज से ही है। 50% कैपेसिटी सर यूनिवर्सिटी से नोटिस नहीं आया सर? ओपन का तो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कंसंट्रेट एंड ड्राइड मिल्क। व्हाट आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसंट्रेट एंड ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट, केमिकल, व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन एज पर द लीगल स्टैंडर्ड, दैट इज FSSAI। देन क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेट एंड ड्राइड मिल्क। क्योंकि जो कंसंट्रेट और ड्राइड मिल्क हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कंडेंस मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क, ड्राइड मिल्क, उस मिल्क के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए, मिल्क उस प्रोडक्ट के लिए जो मिल्क का क्वालिटी होना चाहिए वो बेटर से बेटर होना चाहिए। सो क्वालिटी ऑफ मिल्क इट इज डिपेंड्स अपॉन द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेट एंड ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ मिल्क जितना बेटर होगा उसी के अकॉर्डिंगली फिनिश प्रोडक्ट दैट इज द कंसंट्रेट एंड ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट की क्वालिटी उतना ही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट हियर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कंसंट्रेट एंड ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट। क्योंकि कंसंट्रेट का मीनिंग क्या होता है कि हम मिल्क का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, द रिमूवल ऑफ द वाटर, वो तभी संभव होगा जब हम रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। सो मिल्क, स्किम मिल्क वे एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, इट कैन बी कंसंट्रेट दैट इज द पार्ट ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव। हम लोग मिल्क को, स्किम मिल्क को हुए या अदर डेयरी अदर मिल्क प्रोडक्ट्स को तभी कंसंट्रेट कर सकते हैं जब उसके वाटर को हम लोग इवेपोरेट करेंगे और रिमूव करेंगे। सो फर्स्ट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड कि हम लोग, क्योंकि मिल्क क्या होता है कि पेरिसेबल नेचर होता है, पेरिसेबल प्रोडक्ट है, हाईली पेरिसेबल है बिकॉज इट कंटेन्स द हायर प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर, इसमें वाटर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट में, मिल्क को मिल्क प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हम वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का कैपेसिटी कम रखेंगे तो उस केसेस में क्या होगा कि द इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मिल्क और वी कैन से द इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द मिल्क। सो द मेन पर्पस इज टू बी डिमिनिश द वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम को हम लोग घटाते हैं, डिमिनिश द वॉल्यूम एंड टू इन्हांस द सेल्फ लाइफ क्वालिटी। और जो मिल्क प्रोडक्ट होता है लाइक कंसंट्रेट मिल्क, ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और सेल्फ लाइफ बढ़ती है। सो वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम मिल्क बाय द इवेपोरेशन। अब वाटर को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, बाय द इवेपोरेशन एंड इन द एडिशन टू वाटर वोलाटाइल सब्सटेंसेस स्पेशली डिजॉल्व गैसेस आर ऑल्सो रिमूव। सो द इवेपोरेशन इज यूजली डन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, hence the decrease the temperature and to prevent the damage caused by the heating. So evaporation, that is the important processing parameters to reduce the volume of milk, to reduce, to evaporate the water of the milk. Now the water can also be removed by the membrane process. And this membrane process called as the reverse osmosis. In the reverse osmosis, the high pressure is applied to a solution to pass its water through a suitable membrane.
So water as well as the part of the some low molar masses substances passes through the membrane. Now the a different methods is of concentrating is by the freezing, and the condensed milk is now the cow or buffalo milk from which is considerable portion where the water is removed. So this is the introduction part of the concentrate and dried milk product. Now what are the definition and the what are the legal standards of the evaporated and condensed milk? So we know that in India there are the FSSAI and BIS. These are the legal standards prescribed by the government of India. So the condensed and dried milk are manufactured by the commercial plants as per the legal standards that is prescribed by the FSSAI and BIS in our country. Now what are the legal standards of the evaporated milk? We know that FSSAI, that is Food Safety and Standards Regulation, FSSR, it is covered under by the Food Products Standards and Food Additives. These regulations are commenced in the year 2011. So how we can define the evaporated milk? By the name we can justify it, the evaporated milk, there are the removal of the water. So the evaporated milk, it means the product obtained by the partial removal of water from milk of cow and buffalo milk by the heat or any other process which leads to a product of the same composition and characteristics. So these are the definition as per the FSSR. Now in second part, the fat and protein, we can also adjust the fat and protein content of the milk may be adjusted by the addition and or the withdrawal of the milk constituents in such a way as not to alter the whey protein to casein ratio of the milk being adjusted. Iske alawa hum log kya karte hain, jo removal of the water ke baad, uske baad hum log, we can also adjust the fat and protein ratio of the milk may be adjusted by the addition or we can withdraw the milk constituents in such a way as not to alter the whey protein to casein ratio of the milk being adjusted. It shall have the pleasant taste and flavor free from the off flavor and rancidity. Evaporated milk ka, it can be pleasant, it has the pleasant taste and flavor free from the off flavor and rancidity. It shall be free from the any substances foreign to the milk, means it shall be free from the foreign materials. It may be contain the food additives that is permitted in the regulations including the appendix A. There are the two appendix A and B. Appendix A describes the chemical composition and food additives that are permitted as per the FSSR. But in the appendix B describes the what are the legal standards as per the microbiological standards. So it shall be confirmed the following requirements. So now these are the chemical composition of the evaporated milk. These are the chemical composition of the evaporated milk. First one, that is the product, means type of the evaporated milk. Second one, that is the milk fat. What are the milk fat as per the types of the evaporated milk and their milk solids and milk protein as present in the SNF part. So first, the evaporated milk, it contains not less than 8% mass by mass the milk fat,
in milk solid, it contains not less than 26% mass by mass, and milk protein, it contains not less than 34% mass by mass milk protein. Second types of the evaporated milk, that is the evaporated partially skim milk, it contains not less than 1% and not more than 8% the milk fat. In milk solid, it contains not less than 20% milk solid. In the case of the milk protein, it contains not less than 34% of the milk solid, milk protein. Third types of the evaporated milk, that is evaporated skim milk, it contains not less than 1% mass by mass. Milk solid contains not less than 20%, and milk protein contains not less than 34%. And last types, that is the evaporated high fat milk. क्योंकि इसके नाम से ही इसका meaning clear है. Like the evaporated skim milk means these are prepared from the skim milk, then evaporated. So there are the milk fat percentage that is not more than 1%. But in case of the evaporated high fat milk, it contains the high fat milk. So the milk fat contents of the evaporated high fat milk that is not less than 15% mass by mass, milk solid not less than 27%, and milk protein not less than 34%. So sweetened condensed milk, it means the product obtained by the partial removal of the water from the milk or cow or buffalo milk with the addition of sugar or in combination of sucrose with the other sugars or by the any other process which leads to a product of the same composition and the characteristics. So the we can say that the sweetened condensed milk, it is obtained by the partial removal of the water, means partial removal, fully removal nahi hai. So sweetened condensed milk is obtained by the partial removal of the water from the either cow milk or buffalo milk with the addition of sugar. Sweetened condensed milk, naam se hi iska meaning clear hai, that is sweetened means addition of the sugar, or addition of the sugar in a combination of the sucrose with the other sugar or by the other process which leads to a product of the same composition and characteristics. Now the fat and protein. Fat or protein content of the milk may be adjusted by the addition or withdrawal of milk constituents in such a way as not to alter the whey protein to casein ratio of the milk being adjusted. And it shall also present taste and flavor as free from off flavor. These are also described, their standards. Chemical composition and additives are also described in the appendix A. Similarly, the microbiological standards are also described in the appendix B. So now the what are the confirmation of the following requirements of the condensed milk. The chemical composition of sweetened condensed milk. Sweetened condensed milk contains the milk fat. It contains not less than 9% the milk fat, milk solid not less than 31%, milk protein not less than 34%. Second type of the sweetened condensed milk, that is sweetened condensed skim milk. So its fat is lower, it is not less than 1%, and milk solid not less than 26%, milk protein not less than 34%. Third type of the sweetened condensed milk, that is the sweetened condensed partially skim milk, it contains not less than 3% milk fat and not more than 9% of the milk fat. Milk solid contains 28%, not less than 28%. Milk protein contains not less than 34%. And now the last fourth types of the sweetened condensed milk, that is sweetened condensed high fat milk. So high fat milk, by the name it is described itself, it contains the high fat. So the milk fat contains the not less than 16% milk fat. Milk solid contains not less than 30%.
milk protein content not less than 34%. Now these are the BIS specification of the condensed milk as per the IS 1166 to 1986. First one, that is the characteristics of the condensed milk as per the BIS specification. And now the types of the condensed milk, that is full cream sweetened milk, full cream unsweetened milk, a skim sweetened milk, a skim unsweetened milk. ये नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर है. स्वीट फुल क्रीम स्वीटेंड, सो इट कंटेन्स द हायर प्रोपोर्शन ऑफ द फैट. टोटल सॉलिड कंटेन्स द फुल क्रीम स्वीटेंड मिल्क, दैट इज 31%. फुल क्रीम अनस्वीटेंड मिल्क कंटेन्स 31%. स्किम मिल्क कंटेन्स 26% ऑफ द टोटल मिल्क सॉलिड. And a skim unsweetened milk contains the lesser proportion of the total milk solid, that is 20%. These are the minimum standards of the different varieties of the condensed milk. Now the second characteristic, that is the fat percentage by weight. It is in full cream sweetened milk, it contains not less than 9% fat. Full cream unsweetened milk, not less than 9% fat, and a skim sweetened milk, it contains not more than 0.5% milk fat, and sweetened a skim unsweetened milk, it contains not more than 0.5% milk fat. Third component, that is the sucrose. So we know that the full cream sweetened milk product, it contains the sucrose. So the sucrose concentration of the full cream sweetened milk, that is 40%. Full cream unsweetened, ye naam se hi meaning clear hai, unsweetened means there are no sugar addition of the this type of sweetened, this type of condensed milk. A skim sweetened milk, it contains 40% of the sucrose. Now the tetrabol acidity, it contains the maximum proportion of the tetrabol acidity, and that is expressed in the lactic acid. So the full cream sweetened milk contains 0.35% lactic acid, full cream unsweetened 0.30% lactic acid, a skim milk sweetened 0.35% lactic acid, and a skim unsweetened milk contains the lower proportion of the tetrabol acidity, that is 0.31. Now the what are the color of the different types of sweetened different types of condensed milk? Color shows the different varieties of the sweetened condensed milk show the different types of the color. Bacterial count of the full cream sweetened milk, that is the 500 per gram, that is the maximum in the full cream sweetened milk and a skim sweetened milk. But the bacterial count, that is nil, in the full cream unsweetened and a skim unsweetened milk. Coliform count, the negative in all types of the condensed milk. Yeast and mold count per gram, that is 10 in case of the full cream sweetened milk and a skim milk, a skim sweetened milk. So these are the basic BIS specification of the condensed milk. Now, what are the requirements of the good quality? Means, what are the grading and quality of raw milk and the pre-treatment of the concentrated and dried milk? So, क्योंकि milk की quality better होना चाहिए, इसकी grading क्या होना चाहिए? Grading and quality of raw milk. क्योंकि जो milk की quality, जो basic material, that is milk, milk की quality जितना better होगा, जो finished product, that is concentrated and dried milk का क्वालिटी उतना ही बेटर होगा. सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर द रिच एंड इट इज कन्वीनियंट सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर पीपल इन मेनी कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द मिल्क बेस्ड कमोडिटीज इज सिग्निफिकेंट. सेकंड, द ऑल फूड्स हैव द पोटेंशियल टू कॉज द फूड बोर्न इलनेस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नो एक्सेप्शन. क्योंकि हमें पता है कि जो मिल्क जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, मिल्क है, दीज मे बी कंटेंट
the various types of foodborne illness. And ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर मिल्क में foodborne disease होगा, foodborne illness होगा, तो मिल्क प्रोडक्ट हमारा उस हमारा इन्फेक्टेड नहीं होगा. Now the dairy animals may also carry the human pathogens, such as the pathogens present in milk, may increase the risk of the causing foodborne disease. जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उसके द्वारा भी मिल्क में फूडबॉर्न डिजीज हो सकते हैं. सो नाउ वी कैन मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क. मेनी मिल्क प्रोडक्ट मेक्स देम गुड मीडिया फॉर द आउटग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द पोटेंशियल वी कैन चेक the contamination of milk with the residues of the veterinary drugs, pesticides and other chemical contaminants. जो हम लोग मिल्क रिसीव करते हैं उस मिल्क में हम लोग देखते हैं कि ये मिल्क दैट इज नॉट कंटामिनेटेड बाई द रेसिड्यूज ऑफ द वेटनरी ड्रग्स पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल कंटामिनेट्स. सो ओवरऑल वी कैन से दैट द वी कैन मेंटेन द प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन एज वेल प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन थ्रू आउट द प्रोडक्शन थ्रू आउट द प्रोसेसिंग थ्रू आउट द हैंडलिंग ऑपरेशन. इट इज इसेंशियल टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द of this type of food products. So the good quality of milk and milk product, we can maintain the good quality, we can use the good quality of milk so that the our finished product will be safe. So these are the some conditions for the better of the finished product. First, we take the milk. It is, we know that milk is the normal mammary secretion of the milking animals, obtained from one or more milking without either addition to it or extraction from it. It is intended for consumption as liquid milk or for further processing. Milk product. Second type, that is milk product. The milk product is a product. We know that what is milk product. It is the product by any processing of the milk which may contain the food additives and other ingredients that is functionally necessary for the processing. Third one, that is the composite milk product. Ki composite ka meaning hi hum meaning kya hoga ki composite means these are a product of which the milk and milk product or milk constituents that is essential part in the terms of the quality of the final product as consumed, provided that the constituents do not derive from the milk and are intended to the take place in part or whole of milk constituents. Reconstituted milk product. So by the name it is described. So addition of the water in the dried or concentrated milk product, so that is known as the reconstituted milk. Basically, we can जो reconstituted milk हम लोग prepare करते हैं to maintain the proper SNF by the addition of the water. Recombined milk, क्योंकि recombined milk these are the combination of the milk and SNF, milk fat and milk solid not fat, in their preserved form with or without the addition of water to achieve the appropriate milk product composition. Recombined mein hum log bahut sara cheez ko mix karte hain, milk or milk product or some additives we can mix it. How we can achieve the high quality of milk? Jo high quality milk hai hum log kaise रिसीव करें और वी कैन हाउ वी कैन डिटरमाइन दीज टाइप ऑफ मिल्क इज दीज मेंटेन द हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क. सो द क्वालिटी ऑफ मिल्क क्वालिटी ऑफ द रॉ मिल्क इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दैट द डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इन प्रोडक्ट. क्योंकि ये हम पहले भी कह चुके हैं कि जो रॉ मिल्क की क्वालिटी होगी दैट इज डिटरमाइन द आवर द फाइनल और इन प्रोडक्ट. Now the quality of the raw incoming milk is termed is in
is dependent on the sanitary procedure that is followed during the milk production and transportation. The quality of raw milk that is dependent on the sanitary procedure. क्योंकि milking हम कैसे करते हैं, processing कैसे करते हैं, milk का processing कैसे करते हैं, that is depends upon the sanitary procedure followed during the milk production and transportation. These are also depends on the health of the cow or buffalo milk. A healthy cow milk produced under the clean environment, clean and hygienic utensils, free from the colostrum, and prompt pulling in the milk as soon as possible after the milking, and transport under the refrigerated condition. So these are the conditions to maintaining the high quality of the milk for the production of the concentrate and dried milk product. So we know that different parameters we can check the in received milk is thoroughly checked for the organoleptic quality and platform test. जो हम milk receive करते हैं, milk receive करने के लिए जो बेसिक जो पैरामीटर्स है उसको जो हम लोग चेक करते हैं बाय द ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट और बाय द प्लेटफॉर्म टेस्ट. ये दोनों टेस्ट से क्या होगा कि क्विक एग्जामिनिंग ऑफ द मिल्क, रॉ मिल्क को हम लोग जितना जल्दी से जल्दी होगा उसको एग्जामिन करते हैं. ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट और प्लेटफॉर्म टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता. सो दीज आर द बेसिक और प्राइमरी पैरामीटर्स फॉर द चेकिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिसीव्ड मिल्क, क्वालिटी ऑफ द रॉ मिल्क. इन ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज वी कैन सी द कलर, अडर एंड टेस्ट. जो ऑर्गेनोलेप्टिक होता है हम लोग स्मेल से लेते हैं, टेस्ट और अडर से हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट. इन एडिशन टू दिस वी कैन ऑल्सो चेक द प्लेटफॉर्म टेस्ट. जो जल्दी से जल्दी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं, क्विक यानी विदाउट टाइम कंज्यूमिंग, वी कैन चेक द सीओबी, फ्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट. जो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स है वो हम लोग करते हैं सीओबी, फ्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, बहुत ही सिंपल टेस्ट है ये. अल्कोहल टेस्ट इट प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंडेंस मिल्क. अल्कोहल इंडेक्स टेस्ट ये भी हम लोग करते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर द हीट प्रोसेसिंग. व्हेन प्रोड्यूसिंग कंडेंस्ड मिल्क और ड्राइड मिल्क पाउडर फॉर कॉमर्शियली यूज, इट मस्ट कंप्लाई विद द सर्टेन बैक्टेरियोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स. जब ये पैरामीटर्स हम लोग रिसीव करते हैं मिल्क को, बाय दिस पैरामीटर्स आइदर बाय द ऑर्गेनोलेप्टिक और प्लेटफॉर्म टेस्ट, इसके अलावा हम लोग जो मिल्क की क्वालिटी हम लोग देखते हैं, दैट इज बाय द बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट, बाय द केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स. सो बाय दिस टेस्ट वी कैन डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज ए फंक्शन ऑफ द रॉ मिल्क क्वालिटी. जो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मिल्क. सो व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया टू डिफाइन द हाई क्वालिटी ऑफ द रॉ मिल्क. हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, इट हैज ए नॉर्मल टेस्ट एंड अपीयरेंस. अगर हाई क्वालिटी रॉ मिल्क होगा तो इट हैज ए नॉर्मल टेस्ट एंड अपीयरेंस. ऑफ फ्लेवर नहीं होगा, मीन्स कोई भी ऑफ फ्लेवर जैसे पेस्टिसाइड्स या वेटनरी ड्रग्स या पेस्टिसाइड्स ये नहीं होगा. सो इट हैज द नॉर्मल टेस्ट एंड अपीयरेंस. सेकेंड क्राइटेरिया दैट इट हैज ए नॉर्मल केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन. एबनॉर्मल जो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होगा, जो लीगल स्टैंडर्ड्स होगा उसी के आसपास होगा. सो इट हैज द नॉर्मल केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन. इट डज नॉट कंटेन द हार्मफुल केमिकल कंटामिनेंट्स और रेसिड्यूज.
इट डज नॉट कंटेन हार्मफुल केमिकल कंटामिनेंट्स ऑफ रेसिड्यू. अगर इसमें कुछ भी रेसिड्यूज होगा तो इट डज नॉट कंटेन द हार्मफुल, हार्मफुल नहीं होना चाहिए. इट हैज ए लो टोटल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया एंड सोमेटिक सेल्स. जो बैक्टीरियल काउंट होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स जो होगा, ऑलवेज इट शुड बी लो. हियर वी कैन सी in the tabular form what are the quality of raw milk, what are the basic selection of the quality of raw milk for the manufacture of condensed and dried milk. These are the parameters and what are the desirable levels. ki acche quality, better quality of raw milk ke liye hum log kaise determine karenge that is better for the manufacture of condensed and dried milk. So these are the some parameters. By these parameters we can judge the high quality of the raw milk. First one, that is the appearance, smell and taste. ये हम अभी just discuss कर चुके हैं. It has the normal smell and taste. It means it has absent of the flakes or clots. अगर flakes or clots होगा that has abnormal. So, अगर बेटर क्वालिटी का रॉ मिल्क होगा सो इट हैज द अपीयरेंस, स्मेल एंड टेस्ट. सेडिमेंट टेस्ट, बाय द सेडिमेंट सेडिमेंट डिस्क से हम लोग सेडिमेंट टेस्ट करते हैं. जो फॉरेन मटेरियल्स होगा, एक्सट्रेनियस पार्टिकल्स मिल्क में अवेलेबल होगा, मीन्स डर्ट डस्ट पार्टिकल होगा, सो वी कैन चेक बाय द सेडिमेंट टेस्ट. सो दिस इज द सिंपल टेस्ट, दैट इज सेडिमेंट टेस्ट. एंड the desirable level of the sediment test, that is 0.5 to 3 milligram per liter. agar hoga bhi dirt and dust or foreign particles milk mein hoga to uska level kitna hoga, that 0.5 to 3 milligram per liter. milk fat and milk snf, that is as per the legal standards, jo milk fat or milk snf hoga means abnormal nahi hona chahiye. milk fat or milk snf, अगर मिल्क फैट और मिल्क एसएनएफ जैसे कॉ मिल्क बफेलो मिल्क का जो लीगल स्टैंडर्ड्स है उसी के अकॉर्डिंगली होगा तो ये बेटर होगा. अगर ज़्यादा होता है या बिलो होता है तो उस केसेस में ये डेजरेबल नहीं होगा. डेजरेबल लेवल क्या होगा, वी कैन ऑब्टेन द मिल्क फैट एज पर द लीगल स्टैंडर्ड. सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन मिल्क एसएनएफ एज पर द लीगल स्टैंडर्ड. नाउ द एसिडिटी, एसिडिटी प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल regarding the quality of raw milk. The maximum acidity of the raw milk less than the 0.5% lactic acid, because lactose is converted in acidity. Lactose, milk contains the lactose. Lactose is converted to the lactic acid. So the maximum not less than 0.5. pH, we know that the pH of the milk, pH, the milk of the pH is 6.6 to 6.8. हीट स्टेबिलिटी, अब मिल्क की क्वालिटी जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय द अल्कोहल टेस्ट, बाय द अल्कोहल एल्जरीन टेस्ट, बाय द अल्कोहल नंबर्स, इनके द्वारा भी हम लोग हीट स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं. सीओबी टेस्ट भी हीट स्टेबिलिटी के लिए होता है, बट अल्कोहल टेस्ट दैट इज द केमिकल टेस्ट. बिकॉज एल्कोहल टेस्ट में केमिकल इन्वॉल्व है सो इट गिव्स द बेटर हीट स्टेबिलिटी फॉर द कंडेंस एंड ड्राइड मिल्क. इन हीट स्टेबिलिटी, द हीट स्टेबिलिटी रॉ मिल्क दैट इज 10 मिनट्स एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स एल्कोहल टेस्ट इट शुड बी ऑलवेज निगेटिव. मीन्स एल्कोहल टेस्ट आइदर 63% पे करते हैं, 65 पे, 68 पे, 8% पे करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल टेस्ट, एंड इट शुड बी ऑलवेज नेगेटिव. ओवर दिस स्लाइड द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज कॉपर एंड आयरन. द डेजरेबल लेवल ऑफ द कॉपर दैट इज 0.1 मिलीग्राम पर केजी एंड आयरन दैट इज 1 मिलीग्राम पर केजी. हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, we have already discussed about this. Heavy metals, pesticides or any veterinary drugs, it should be absent
antibiotics. The antibiotics, the desirable level of the antibiotics, that is 0.02 IU per ml. Somatic cell, the microbial standards of the raw milk, that is 50,000 per ml. MBR test, methylene blue reduction test. We know the what are the MBR test, MBR, that is methylene blue reduction test, microbiological test. So the, for the sweetened condensed milk, SCM, its MBR test not less than 3.5 hours. But in case of the evaporated milk, the MBR methylene blue reduction test not less than 2.5 hours. DMC, direct microscopic cone. We can see the by the microscope, the DMC, that is direct microscopic cone, not more than 10 lux per ml. Total bacterial cone, the standard desirable level of the total bacterial cone, that is 1 lux to 5 lux CFU colony forming unit per ml. And the last one, that is the microbiological standard, that is research urine test. Research urine test, that is either 10 minutes or 1 hour. Research urine test is determined by the disc rating. The disc rating is varies from 3.5 to 6, that is permissible, that is desirable. The research urine disc, research urine test, it should be determined by the disc rating. The disc rating, that is 3.5 to 6, that is the desirable level of the research urine test. कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. हेलो. यस सर. क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क. एक टेस्ट जो हमने डिस्कस किया, सीओबी टेस्ट और अल्कोहल टेस्ट, दोनों हीट स्टेबिलिटी के है, बट बेटर जो हीट स्टेबिलिटी देगा, दैट इज केमिकल जहां इन्वॉल्व होगा, दैट इज अल्कोहल टेस्ट. इसको हम प्रैक्टिकल पार्ट में और थोड़ा एलोबोरेट करेंगे. प्रैक्टिकल पार्ट में इस वीक में है प्रैक्टिकल, उसको और थोड़ा डिटेल्स बताएंगे. कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. या कुछ क्वेश्चन होगा तो बाद में पूछ लेना, हम एंड करें क्लास. यस सर. थैंक यू सर. कुछ भी क्वेरी होगा बाद में भी पूछ सकते हो. थैंक यू. ठीक है, कल भी क्लास है, डिस्कस करते हैं. अटेंडेंस भेज दो. थैंक यू. ठीक है, ओके.